हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल, इग्नू काउंसलर कोलकाता। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था और ये सारी बातें बताई थी कि इग्नू के एग्ज़ाम कब हो सकते हैं। दिसंबर टर्म एंड एग्ज़ाम जो नहीं हुआ, जो कैंसिल हो गया, वो कब हो सकता है, ये बात मैंने बताई थी। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे क्वेश्चंस आए। एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास थे वो थे कि किन्हें प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट गलतियां करते हैं यहाँ पे। अगर एग्ज़ाम डिले होता है या एग्ज़ाम असाइनमेंट ये सब के डेट बढ़े जाते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अपना री रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप अपना री रजिस्ट्रेशन मतलब कभी डिले मत करो, टाइम से करो। क्योंकि अगर हम ये मान लेते हैं, ये क्वेश्चन अगर अभी हम अगर प्रोसेस करते हैं कि किन्हें प्रमोशन मिलेगा, तो इससे री रजिस्ट्रेशन करना डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर आप अपना री रजिस्ट्रेशन टाइम से नहीं करोगे, ठीक है, तो फिर वो प्रमोशन वाला, जिन्हें प्रमोशन दिया जाएगा, वो याद रखना जिनका फ्रेश रजिस्ट्रेशन है और बिल्कुल टाइम से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उन्हें ही प्रमोशन के चांसेस भी रहते हैं। क्योंकि अगर प्रमोशन के लिए कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन निकाला जाएगा, तो आप पिछले बार के टर्म्स एंड कंडीशन देख लीजिएगा, वहाँ पर ये बातें सीधी थी। जिन्होंने अपने री रजिस्ट्रेशन टाइम से किया था उन्हें ही प्रमोशन मिला। ठीक है, पहला बात। दूसरी बात कि प्रमोशन जिनका फ्रेश पेपर है ना, उन्हें ही मिलता है, बैकलॉग वाले पेपर्स का कोई प्रमोशन नहीं है। तो ये दो बातें क्लियर करके रखिए। प्रमोशन किन्हें मिलेगा, जिनका प्रॉपर री रजिस्ट्रेशन टाइम टू टाइम हो रहा है। एग्जाम नहीं हो रहा वो आप टेंशन मत लिए। आपसे ज्यादा टेंशन इग्नू के पास है कि एग्जाम नहीं हो रहा तो उन्हें कैसे कंडक्ट करना है, या लास्ट में प्रमोट करना है नहीं करना, वो उनकी परेशानी। आपसे ज्यादा परेशान इग्नू है, आपके पास खुद का अकेला का टेंशन। बट इग्नू के पास सोचिए, जितने स्टूडेंट्स इग्नू के पास पढ़ते हैं ना, उन सब का टेंशन है इग्नू को। तो अगर नहीं होता है एग्जाम तो प्रमोट वो करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन किन्हें प्रमोट करेगा, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता है कि आप अपना री रजिस्ट्रेशन टाइम से कर रहे हैं कि नहीं। तो री रजिस्ट्रेशन काइंडली टाइम से कीजिए, और उन्हें मिलेगा जिनका फ्रेश पेपर है। जिनका कोई बैकलॉग पेपर है, उन्हें कोई भी प्रमोशन नहीं मिलेगा। उनके लिए लास्ट ऑप्शन है एग्जाम, वो आज हो कल हो कभी भी हो, बट उनके लिए लास्ट वही ऑप्शन है, उन्हें एग्जाम देना है। जिनका फ्रेश पेपर है, जिनका फ्रेश री रजिस्ट्रेशन है, उन्हें ही प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा।